हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई अप्रेंटिस की भर्ती की जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, ये जो लेटेस्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है ये डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई में निकाली गई है। जो ये रिसर्च सेंटर इमारत है, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है और यहाँ पर जो मिसाइल का निर्माण होता है उसकी रिसर्च का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। और ये जो अप्रेंटिस की भर्ती निकली है इसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए पद निकाले गए हैं। कुल 150 पद निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। साथ ही इस वैकेंसी की और भी अधिक जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट से बीई बीटेक उनके लिए पद निकाले गए हैं। इसमें ईसीई ट्रिपल ई सीएसई मैकेनिकल केमिकल इन कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है और कुल 30 पद निकाले गए हैं। और इन पदों पर जो स्टाइपेंड आपका रखा गया है वो 9000 रुपये प्रतिमा रखा गया है। इसी तरीके से दूसरी वैकेंसी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। इसमें ईसीई ट्रिपल ई सीएसई मैकेनिकल और केमिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 30 पद निकाले गए हैं और इसमें सिलेक्शन के बाद आपको 8000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ट्रेड अप्रेंटिस वाली जो पोस्ट निकाली गई है इसमें एनसीबीटी और एससीबीटी से की आईटीआई किए हुए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कुल 90 पद इन कैंडिडेट्स के लिए आईटीआई वालों के लिए निकाले गए हैं। और इसमें आपको जो स्टाइपेंड रखा गया है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी एक वर्षीय ट्रेड वालों के लिए 7000 से लेकर जो 2 वर्षीय कैंडिडेट होते हैं जिनकी 2 वर्षीय ट्रेड में आईटीआई होती है उनको 7750 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड गवर्नमेंट के जो स्टाइपेंड रूल्स है उस अनुसार दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी की। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो बी बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको नेट्स वाले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से जो आईटीआई वाली पोस्टों पर कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अप्रेंटिस इंडिया यानी जो नेप्स वाला पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। अगर आप आईटीआई पास है और अभी तक आपने नेप्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आई बटन पर हमारी एक वीडियो आप देखकर खुद अपने मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आगे हम बताने वाले हैं। इस वैकेंसी में मिनिमम 18 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये 18 वर्ष आपके 1 जून 2023 को पूरे हो जाने चाहिए। साथ ही अगर आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा और आईटीआई 2020 से लेकर 2022 यानी 2020 और 21 और 22 में पूरा हुआ है रेगुलर कैंडिडेट के रूप में तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2020 और उसके बाद के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है आपके जो मार्क्स है आपकी जो आईटीआई में या टेंथ में जो मार्क्स है वो आपको परसेंटेज के रूप में यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपको जीपीए में मार्क्स मिले हैं तो उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो लास्ट डेट 19 जून 2023 रखी गई है। इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहां पर बताया गया है कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड। यहां पर इनिशियली जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी जो स्कूली क्वालिफिकेशन है आपकी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाली जो क्वालिफिकेशन के उसके मार्क्स के अनुसार मेरिट बनाकर किया जाएगा। हो सकता है इसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी आवश्यकता पड़ने पर लिया जाए जिसकी सूचना आपको आपके ईमेल आईडी पर या फिर जो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक भी यहां पर दिया हुआ है और इसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपके लिए डाल देंगे। वहां से आप इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसकी जानकारी, साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी भी जो मेरिट लिस्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहां से आप लगातार चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपके ईमेल आईडी पर भी जो आप डालेंगे उस पर भी इसकी सूचना आ जाएगी। सिलेक्शन के पश्चात आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है वो लेकर यहाँ पर प्रस्तुत करना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ इस वैकेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं रहेगा। यदि आपने पूर्व में भी कहीं अप्रेंटिस की हुई है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इससे आपको फॉर्म भरकर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए भी जो लिंक है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नेप्स वाले पोर्टल पर करना है और उसके बाद आपको इस लिंक पर जाकर फॉर्म भरना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। लिंक खोलने पर आपको इस तरीके से मैं बता देता हूं विंडो ओपन हो जाएगी। ये आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं फॉर्म ओपन कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नेप्स पोर्टल जो नेप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो डालना है। इसके बाद आपको आपका नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नेक्स्ट आपको जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, अप्रेंटिस टाइप, ठीक है, आईटीआई यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, किस सब्जेक्ट से आपने आईटीआई की हुई है वो यहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग है यस नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट
नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है आपको। इसके बाद आपको आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री सब चीज़ें डाल देनी है। और इसके बाद आपका लास्ट में फोटो 500 KB के अंदर स्कैन करके अपलोड कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो आगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके आपका फॉर्म फाइनल भर देना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगने वाला है और काफ़ी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में आपको ये मौका मिल रहा है, तो उसका लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि जब आगे इसकी परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें आपको अच्छा मौका इस अप्रेंटिस के माध्यम से आगे मिल सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये आपको अच्छी भी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आगे भी ITI अप्रेंटिस ITI की जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।